Today I am going to teach you about indoor gardening. What is indoor gardening? It is the art of growing the plants inside the house, restaurant or any enclosed area. Enclosed area means जो चारों तरफ से बंद होता है उसे enclosed area कहते हैं. This technique is beneficial for those living. This technique is beneficial for those living in apartments or home where there is no space for garden. ऐसे स्थान जहाँ पे आउटडोर गार्डनिंग करने के लिए स्थान नहीं है तो वहाँ पे इंडोर गार्डनिंग बहुत आसानी से किया जा सकता है. ड्वार्फ हर्बेशियस पेरेनियल्स विथ एडिक्टिव कलर फोलियज, ऐसे पौधे जो बौने होते हैं और उनके जो फोलियज है पत्तियाँ खूबसूरत होती हैं, अथवा विद फ्लावर्स आर फ्रूट्स आर वेल सूटेड फॉर डेकोरेटिंग विरंडा, ऐसे पौधे जिनके जो बौने होते हैं जिनकी पत्तियाँ खूबसूरत होती हैं तथा फ्लावर्स अच्छे होते हैं, बौने स्पेशली बौने पौधे होते हैं, वो वरंडा में, ड्राइंग रूम में अथवा विंडोज में, खिड़कियों में उगाने के लिए उपयुक्त होते हैं. ड्वार्फ एंड बूसी प्लांट्स, बौने तथा सघन पौधे विद प्लेंटी ऑफ फोलियज, जिनमें पर्याप्त वेजिटेशन होता है, पत्तियाँ होती हैं, आर बेटर फॉर डेकोरेशन, ऐसे पौधे सजाने के लिए उपयुक्त होते हैं. इन ऑर्डर टू गेट बेस्ट रिजल्ट फ्राम द इंडोर प्लांट्स ऑब्जर्व द फॉलोइंग, इंडोर प्लांट से बढ़िया अच्छा प्रभाव लेने के लिए, अच्छा उनसे खूबसूरत सजावट के लिए निम्न बिंदुओं पर विशेष करके ध्यान दें. जैसे प्लांट्स विद ग्रीन फोलियज आर सुटेबल फॉर ड्राइंग रूम आर ए प्लेस स्केंटी लाइट, जहाँ पे धूप कम मिलती है वहाँ पे ऐसे पौधों को लगाना चाहिए जिनके जो विशेष करके पत्तियों के लिए लगाते हैं. एंड वेयर एज प्लांट्स विद कलरफुल फोलियज आर फ्लावरिंग प्लांट्स आर सुटेबल फॉर विनंडा आर प्लेस विच आर रिसीविंग एटलीस्ट 2 to 4 hours लाइट मॉर्निंग लाइट, ऐसे प्लेस को चुनना चाहिए कलरफुल फोलियज अथवा फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए. नेक्स्ट नंबर, क्ले प्लांट्स आर बेटर फॉर मोस्ट ऑफ द इंडोर प्लांट्स, ज़्यादातर जो क्ले पार्ट्स होते हैं सीमेंट के गमले होते हैं वो उपयुक्त रहते हैं इंडोर प्लांट्स के लिए. नेक्स्ट, द पीएच ऑफ सॉयल शुड बी 6.2 to 6.8, मैक्सिमम जो इंडोर प्लांट्स होते हैं उनके लिए न्यूट्रल पीएच रहना चाहिए, ना एसिडिक सॉयल होना चाहिए और ना एल्कलाइन सॉयल होना चाहिए. नेक्स्ट, एवॉइड ओवर इरीगेशन, ज़्यादा सिंचाई नहीं करनी चाहिए इंडोर प्लांट्स में. बिजार दीज आर सकुलेंट्स प्लांट, ये जो हैं ये मुलायम होते हैं और ये सकुलेंट होते हैं, हर्बेशियस होते हैं, दैट्स वाई मोर ओवर इरीगेशन शुड बी अवॉइड. मोर प्लांट्स डाई विद ड्यू टू द ओवर इरीगेशन देन अंडर इरीगेशन, कम पानी की अपेक्षा अधिक इरीगेशन करने से पौधे जल्दी डाई होते हैं, मर जाते हैं. इस प्रकार से ओवर इरीगेशन शुड बी अवॉइडेड. रिमूव डेड डिजीज्ड ब्रांचेज एंड लीव्स विद हेल्प ऑफ सेकेटियर्स आर शार्प नाइफ, जो मरी हुई शाखाएं हैं पौधे की अथवा रोग ग्रसित हैं तथा पत्तियां खराब, उन्हें सेकेटियर या अच्छे चाकू की तेज चाकू के द्वारा हटाते रहने चाहिए. वॉश द फोलियज विद प्लेन वाटर, बहते हुए पानी से पत्तियों को 7 to 10 days में धुलते रहने चाहिए जिनसे वो खूबसूरत रहें. नेक्स्ट आई विल टीच यू अगेन.